तो ठीक है। अमित चरना जी हमारे साथ हैं। अमित चरना सर, असल में एजुकेशन सिस्टम को आप अच्छे से समझते हैं, बच्चों को, एजुकेशन को, छात्रों को, कोचिंग सेंटर चलाने वालों को, और अब इस तरह की एग्जाम्स पे इस तरह का बड़ा आरोप, एजुकेशन का कैंसर हो गया है क्या ये? जो भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं और इस तरह के हमारे पास सूचनाएं आती हैं या हम देखते हैं कि वो कैंसिल हो रहे हैं किसी वजह से या रीशेड्यूल हो रहे हैं, वो एक तरह से ये माना जाए कि जैसा आपने कहा कि गंभीर रोग में परिवर्तित हो चुका है। अब ये कई, हम इसको देखेंगे, कई लेवल्स पे है। जैसे कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया, पूरे एक साल, डेढ़ साल, दो साल तक वो लगे रहे और फिर उनको ये खबर मिलती है कि जिस एग्ज़ाम में वो बैठे थे उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है और अब वो दोबारा जब री एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, क्या होगा उसके साथ, उसकी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। उनके ऊपर एक तरह से डिमोरलाइजेशन उनका होना शुरू होता है, डिमोटिवेशन होना शुरू होता है और मेंटल हेल्थ पे भी उन पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस समय बना हुआ है, जिस पे थोड़ी सी शंकाएं हैं, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा शंकाएं हो गई हैं, 50 लाख से ज़्यादा छात्र बैठते हैं विभिन्न एग्जामिनेशंस में जो NTA करवाता है, जिसमें से जो मेन दो हैं, जिसमें से आप नेट बोल सकते हैं और NTA का आपका जो ये मेडिकल एग्जामिनेशंस है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया जी। सो छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक और एक पीयर ग्रुप भी होता है किसी छात्र का, जो उनके समर्थक होते हैं, उनके भाई बंधु होते हैं, उन पे भी ये मेंटली असर करता है। तो रोग तो है ही है, अब इस रोग का निवारण कैसे करना है, असली प्रश्न वो है। क्योंकि अगर ये रोग का निवारण जल्दी नहीं किया गया तो आप ये मानेंगे कि धीरे धीरे हमारी जो डिग्रीज हैं, जो हमारे भारतीय यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह की डिग्रीज मिलती है, उनकी ग्लोबल सेक्टर में भी डिवेल्यूएशन होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सर, एग्जाम्स का रीशेड्यूल होना, फिर से दोबारा एग्जाम होना, डेट घोषित कर देना, क्या ये वो निवारण है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? क्योंकि सर, अगर ये भी होता है तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है? क्या अच्छी रवायत हम सेट कर रहे हैं, पहले लीक, फिर कैंसिल, फिर दोबारा एग्जाम? देखिए, लीक तो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। और री एग्जामिनेशन जब होता है, जब भी आप कभी इसको रीशेड्यूल करेंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि दो तरह के पटिशंस पहुंची हुई हैं, कुल मिला के बैच ऑफ 26 के करीब माना जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी आपकी सोमवार को। तो वो जो हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो इसको रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं, री एग्जामिनेशन, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो नो री नीट कह रहे हैं। सो आपको दोनों ही तरह के पक्ष मिलेंगे, तो ये तो कोई हल नहीं है कि आप इसको दोबारा से करवाइए। लेकिन इसके अलावा चारा क्या है? अगर आप लीक कंट्रोल नहीं कर पाए, सर, वो बच्चे जिनका बहुत अच्छा एग्जाम गया था, जिन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया, और आप तो सर शिक्षाविद जानते हैं ना कि सारे दिन एक से नहीं होते। बिल्कुल, एक दिन मैंने अच्छा अटेम्प किया होगा, एक दिन मैं नहीं अच्छा अटेम्प्ट कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, होता क्या है कि जब आप एक साल, डेढ़ साल की मेहनत कर रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रहे हैं, फिर एक डेट आती है कि ये एग्जामिनेशन डेट है, तो आप फिक्स कर लेते हैं मेंटली कि इस तारीख तक जाके ये काम हो जाएगा, उसके बाद नाउ आई एम फ्री, अब मैं आगे सोचूंगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगली चीजें शुरू हो जाती है कि कौन सा कॉलेज हम ले सकते हैं, मेरा एग्जामिनेशन कैसा हुआ, क्या रैंक आने की संभावना है, तो उस पर मंथन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये दिक्कतें जो है कि आप अगर उसको कहें कि री एग्जामिनेशन हो, तो उन छात्रों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है जिनका ये मानना है कि उनके पेपर बहुत अच्छे गए हैं। इसीलिए अभी तक आप मानेंगे कि ये NTA ने जो इसका काउंसलिंग है वो भी निरस्त नहीं हुई है। ठीक है, हमारे साथ